झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर एक बार फिर झारखंड पर दिख रहा है। आज झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहे और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 25 और 26 सितंबर को रांची सहित राज्य भर में भारी बारिश की संभावना जताई है। 18 जिले में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और वज्रपात भी होगा। 26 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, खूंटी सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। रांची में 30 सितंबर तक रोजाना बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 72 mm बारिश बहरागोड़ा में हुई। वहीं सबसे अधिक तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस गोड्डा जिले का रहा। सबसे कम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रांची का रहा। जिन 5 जगहों पर बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई उनमें बहरागोड़ा में 72, ढालभूमगढ़ में 54.2, गोड्डा में 48.2, हजारीबाग में 44.6 और दुमका के नाला में 40.2 मिलीमीटर बारिश शामिल है। आकाशीय बिजली से 2 घायल। इधर मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मौसम की जैसी स्थिति लगातार बन रही है, वैसे में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। बता दें कि मंगलवार दोपहर के बाद से मौसम में आए बदलाव की वजह से आकाशीय बिजली गिरने से रुक्का डैम घूमने गए 2 युवक घायल हो गए।